एमपी में आज फिर बदलेगा मौसम। भोपाल में दोपहर बाद हो सकती है झमाझम बारिश। इंदौर में रात को हल्की बारिश। नमस्कार, मैं हूँ शारदा काला। आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। आपसे अनुरोध है कि आप एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए भोपाल की विशेष खबर। मध्य प्रदेश में जहाँ भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल में बादल छाए हुए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के कारण इससे सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और जबलपुर में अच्छी बारिश हो रही है। उधर पानी की लगातार आवक से जबलपुर में बरगी बांध के 6 और गेट खोलने का निर्णय लिया गया है। सूखे इलाकों में राहत की बारिश बीते 48 घंटों से मानसून इन्हीं इलाकों को अच्छे से भिगो रहा है। रविवार को दिन भर खुशनुमा मौसम रहा। इस सिस्टम के सोमवार को थोड़ा आगे बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में यह दोपहर करीब 1 बजे के बाद भोपाल में इससे बारिश होने की संभावना है, जबकि देर रात तक इंदौर में भी रिमझिम बारिश हो सकती है। ऐसे में आधे मध्य प्रदेश में अभी बारिश होती रहेगी, जबकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में फिलहाल ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। अभी स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होने के कारण बारिश के 29 अगस्त से 2 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश के ज़्यादा आसार नहीं है। 3 दिन ज़्यादा बारिश नहीं, मंगलवार से प्रदेश भर में ज़्यादा बारिश नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार नमी रहने के कारण हल्की रिमझिम बारिश कहीं कहीं हो सकती है। दिन में उमस बढ़ने से कुछ देर के लिए तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ेगा। नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के 6 गेटों के खोले जाने से जल स्तर में 8 से 10 फीट का इजाफा होगा। अभी बरगी बांध के 3 गेट खुले हुए हैं, जिससे 417 घन मीटर प्रति सेकेंड जल की निकासी की जा रही है। 6 गेट और खुलने से 9 गेटों में से 1405 घन मीटर प्रति सेकेंड जल की निकासी की जाएगी। नर्मदा घाटों में पुलिस के जवानों व होमगार्ड की तैनाती भी की गई है। देर रात हुई बारिश से बरगी बांध का जल संग्रह हिस्से में अत्यधिक पानी आ गया है, जिससे गेटों को खोले जाने का निर्णय लिया गया है। देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।